बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थायराइड एग्ज़ामिनेशन के हवाले से फ्रेंड्स की क्वेरीज थी कि थायराइड एग्ज़ामिनेशन किस तरह परफॉर्म किया जाए कि स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट भी हो जाए और कोई पर्टिनेंट पॉइंट मिस भी ना हो। ज़्यादा क्वेरीज शॉर्ट केस के हवाले से हैं, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि थायराइड एग्ज़ामिनेशन या कोई भी एग्ज़ामिनेशन में आपका एक फ़्लो पैटर्न होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बार बार प्रैक्टिस करने से ये फ़्लो पैटर्न आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम वाले दिन प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना कंसेंट पेशेंट से लेना है, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एवरीथिंग, और देन आपने इंस्पेक्शन से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करना है। और जैसे आप इंस्पेक्शन के अंदर नोट करते हैं स्वेलिंग नेक के ऊपर, कोई एरिथमा, कोई नोड्यूलैरिटी, और पेशेंट को आप डीग्लूटिनेशन के लिए कहते हैं, आप पेशेंट से स्टिक आउट टंग करने के लिए कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में हैं और आप इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। उसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप उसके पाम्स देख सकते हैं फॉर स्वेटिंग, आपने उसकी पल्स देखनी है फॉर ऑब्वियसली फॉर टैकीकार्डिया, पाम्स के पल्स के, फिर आप जो है उसके बाइसेप्स की रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं। देन यू कैन एक्चुअली आस्क हिम टू स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स ताकि आप उसके ट्रेमर देख लें। फिर आप उसके हैंड्स को अपवर्ड पोजीशन में कर सकते हैं पेम्बर्टन साइन चेक करने के लिए। कहने का मकसद ये है कि एक फ़्लो में अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। फिर यू कैन मूव ऑन टू द स्वेलिंग, और अगर नेक में स्वेलिंग है तो वो जो सारे टेस्ट आप स्वेलिंग के लिए करते हैं वो सब आपने परफॉर्म करने, इंक्लूडिंग ट्रांस इल्यूमिनेशन इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर। और वो टेस्ट करने के बाद यू कैन परकस हिज चेस्ट टू लुक फॉर एनी साइंस ऑफ रेट्रोस्टर्नल गोइटर, ट्रैकिया के ऊपर कंप्रेस करके उस स्पेस में देख सकते हैं रेट्रोस्टर्नल स्पेस में वो वहाँ से आगे जा रहा है कि नहीं। तो ये आपने फ्रंट पे आप अभी खड़े हुए, और इसके साथ साथ आप आई साइंस को भी चेक कर सकते हैं। देन यू कैन मूव ऑन टू द बैक, और बैक के ऊपर खड़े होकर आप प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स देख सकते हैं, और आप नेक के लिम्फ नोड एग्जामिन कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप पेशेंट को डीग्लूटिनेशन के लिए कह के स्वेलिंग को भी एग्जामिन कर सकते हैं। और आफ्टर दैट यू डन, आप फ्रंट पे आके दोबारा ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं फॉर ब्रूइज, एंड फाइनल अगर आपने पहले नहीं किया टेंडन के रिफ्लेक्सेस तो वो चेक कर सकते हैं। बात का मकसद ये है कि एक सिक्वेंशियल वे में आप परफॉर्म करेंगे अगर ये सारे टेस्ट, तो कोई टेस्ट मिस भी नहीं होगा और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कम्प्लीट भी हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और अगर कोई क्वेरीज हैं डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।